तो कैसे हैं तुम लोग साथ अच्छी वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टीम के न्यू यूआई की। तो रिसेंटली स्टीम ने अपना यूआई चेंज करने का सोचा है। तो जिन लोगों को नहीं पता स्टीम क्या है, स्टीम एक ऑनलाइन मार्केट है जो वेल्व ने बनाया है। वेल्व एक कंपनी है जिसने CSGO, डोटा, लेफ्ट फॉर डेड जैसे गेम्स बनाए हैं। CSGO रिसेंटली उसका यूआई चेंज किया था उन लोगों ने। तो अब वेल्व सोच रहा है कि हम स्टीम को भी रीडिफाइन करते हैं। स्टीम का यूआई 8 साल में अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। 8 साल से वही यूआई हम लोग देखते आ रहे हैं। तो इस बार कुछ मेजर चेंज होने वाले हैं। तो ये एक लीक है, लाइक ये फ़ोटो उन लोगों ने अपलोड किया है या किसी ने लीक किया है, जो भी है। तो ये ऑफिशियल यूआई का फ़ोटो है। यूआई ऐसा दिखने वाला है, देख लो उसको एक बार। तो ये नया वाला यूआई है, अगर हम इसे कंपेयर करें पुराने वाले से तो ये पुराना वाला यूआई है। तो अभी नया यूआई चालू नहीं हुआ है, लॉन्च नहीं हुआ है। मे बी एक वीक के अंदर अंदर अपडेट आ जाएगा, क्या पता आज ही अपडेट आ जाए रात में। सो या जब मुझे पता पड़ा आई वॉज लिटरली हाइप्ड, क्योंकि 8 साल से मैं स्टीम पे 5 साल से हूँ और अभी तक यूआई कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लाइक यूआई इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बेसिकली हम लोग सिर्फ स्टीम खोलते हैं गेम्स खेलने के लिए या गेम्स बाय करने के लिए। नो वन गिव्स अ फक कि यूआई कैसा है, कुछ है। क्लासिक यूआई था, बहुत सिंपल यूआई था। तो अब उन लोगों ने थोड़ा रीडिफाइन किया है और अब जाके यूआई ऐसा हो जाएगा। तो आई होप इट्स लाइक ऑनलाइन काफ़ी सारे मार्केट हैं, जैसे कि एपिक गेम स्टोर जो नया खुला है अभी, और ओरिजिन और यू प्ले। तो बेसिकली ओरिजिन ईए का है, वो सिर्फ ईए गेम्स बेचता है। यू प्ले यूबीसॉफ्ट का है। स्टीम एक ऐसा स्टोर है जो हर गेम बेचता है। बेसिकली किसी भी कंपनी का गेम हो स्टीम पे ज़रूर आता है। पर अभी बीच में एक नया स्टोर चालू हो गया, एपिक गेम स्टोर, और स्टीम और एपिक के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं कौन सा स्टोर बेटर है, कौन सा सस्ता है। तो बेसिकली ज़्यादातर लोग स्टीम पे जा रहे हैं। अभी एक जो गेम मैं गया था मेट्रो एक्सप्रेस, वो स्टीम पे था पहले, उसके बाद लॉन्च होने के बाद उसे स्टीम से हटा के एपिक गेम्स पे डाल दिया, क्योंकि रेवेन्यू शेयर ज़्यादा है वहाँ पे। स्टीम स्टोर क्या करता है, साल में 4 बार सेल निकालता है। 4 बिग सेल्स आती हैं, ऑटम, विंटर, समर एंड स्प्रिंग। इन सेल्स में गेम्स एटलीस्ट 80-70% ऑफ मिलते हैं। और एपिक गेम स्टोर क्या कर रहा है, एपिक गेम स्टोर मार्केटिंग बढ़ाने के लिए और डेवलपर्स वहाँ पे गेम पब्लिश करें उसके लिए हर महीने 2 गेम्स फ्री देता है। तो लास्ट मंथ सब नॉटिका फ्री था, उससे पहले सुपर मीट बॉय फ्री था। ऐसे हर महीने एक गेम फ्री मिलता है, हर महीने एटलीस्ट 2 गेम फ्री मिलते हैं। तो ये सब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हो रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं स्टीम छोड़ के एपिक गेम्स में। और या स्टीम पिछले 8 साल से मार्केट में है। एपिक गेम स्टोर अभी अभी चालू हुआ है। एपिक गेम स्टोर चालू किया है एपिक गेम्स में, जिसने फोर्टनाइट बनाया है और काफ़ी सारे गेम्स बनाए हैं। तो बेसिकली स्टीम को टक्कर देने के लिए, डेवलपर्स का फ़ायदा होने के लिए, रेवेन्यू शेयरिंग कम करके उन लोगों ने एक मार्केट बनाया जिसका नाम है स्टीम एपिक गेम स्टोर। तो बेसिकली यही चल रहा है। पर फाइनली स्टीम रीडिफाइन कर रहा है अपने स्टोर को, यूआई चेंज कर रहा है। अच्छा, लेट मी नो तुम लोग के क्या थॉट्स है। और जब स्टोर चेंज हो जाएगा तब एक और वीडियो निकालूंगा मैं। अभी के लिए ये एक लीक है, ये एक स्क्रीनशॉट है, इसको देख लो। और या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड पीस।